अस्सलाम वालेकुम, ऑल अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस। और कोई भी क्वेश्चन होता है आपके पास, कोई भी डाउट होता है, कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। मैम आपको 100% जो है वो रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है, और आपकी मदद करने की भी ज़रूर कोशिश करूँगी, ठीक है। आपने कोई भी क्वेश्चन है, आपकी स्टडीज़ से रिलेटेड कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो प्लीज़ फील फ्री, ओके। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ भागन सक्रिय यूनिवर्सिटी मुल्तान का पास्ट पेपर जो है, फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2018 न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग। ये भी साइकोमेट्रिक्स यानी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का पेपर है, पेपर टू है ये, ठीक है। टाइम अलाउड है 3 आवर्स और मैक्स मार्क्स हैं इसमें 60, ठीक है। सेक्शन वन है इसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, और ब्रीफली डिफाइन फॉलोइंग टर्म्स विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, अटैम्प्ट एनी 5 ऑल क्वेश्चन। आपने इनके साथ एग्जाम्पल्स भी देनी है, ठीक है। कैरी इक्वल मार्क्स, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है, सबके एक साथ एक जैसे नंबर्स हैं, ठीक है। आपने जो ऊपर लाइन है उस पर फोकस करना है, उन्होंने कहा है कि सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ आपने जो है वो करना है एक्सप्लेन, ठीक है। इसके साथ एग्जाम्पल्स भी देनी है आपने। वट आर द मेन यूजेज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, सेकेंड पे हाउ डिड बाइनेट contributed in psychological testing explain, ठीक है। थर्ड पे what is difference between objective and projective testing, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी, ठीक है। फोर्थ पे define grade norms, ठीक है। फिफ्थ पे describe performance scales of risk or, सिक्स्थ पे define validity analyst its types, ठीक है। सेवन्थ पे analyst clinical scales of MMPI, ठीक है, इसमें MMPI में कौन से क्लिनिकल स्केल्स जो हैं वो यूज़ हुए हैं वो आपने बताने। एट्थ पे है डिफरेंशिएट बिटवीन टेस्ट एंड इन्वेंट्री, ठीक है। टेस्ट एंड इन्वेंट्री के दरमियान आपने फ़र्क बताना है, पेज के दरमियान लाइन खींचनी है, एक साइड पे टेस्ट का बताना है क्या क्या होता है, दूसरी साइड पे बताना है इन्वेंट्री क्या होती है, ठीक है। मैं बार बार बताती हूँ ताकि आपके मार्क्स पे जो है वो असर ना पड़े, ठीक है। सेक्शन टू है सब्जेक्टिव पार्ट, ठीक है। अटैम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस इन डिटेल, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स, ठीक है। 3 क्वेश्चंस हैं 15 मार्क्स के, 45 मार्क्स बनते हैं टोटल, ठीक है। क्वेश्चन वन है डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, ठीक है। साइकोलॉजिकल टेस्ट की आपने टाइप्स बतानी है। क्वेश्चन टू है डिफाइन रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी क्या है, और इसके बाद आपने एलैबोरेट करना है डिफरेंट मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी, ठीक है। क्वेश्चन थ्री है राइट डाउन द कॉमन रैशनल ऑफ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के क्या जो है वो रैशनल्स होते हैं, ठीक है। वो आपने बताना है क्या तरीका होता है जिससे टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन इंटेलिजेंस राइट द सेलाइंट फीचर्स ऑफ वीज आर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज़ क्रॉस कल्चरल टेस्टिंग, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इट्स मेजर प्रॉब्लम्स एंड देयर सोल्यूशंस, ठीक है। ये था लास्ट पेपर, ठीक है, गालिबन साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का, क्योंकि 2018 का जो है वो लास्ट है। आगे 19 का स्टार जब होंगे तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपलोड करूँगी। तो ये साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का लास्ट पेपर है, ठीक है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।